चना स्वाद के लेजेंड्स। थैंक यू आवर लवली ऑडियंस। हमें पता चला कि आपको एपिसोड नंबर 1 काफी कमाल का लगा है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी थोड़ी सी कंप्लेंट्स हमसे जाहिर की हैं। वैसे कंप्लेंट्स क्या हैं बताऊं? उनका ये कहना है कि शो कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो गया, उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ। वेल, वी टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि शो इतना ऑसम था कि वक्त का पता ही नहीं लगा। एपिसोड नंबर 1 खत्म हो गया है और एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। इंजॉय करिए और ये भी जान लीजिए कि आगे आने वाले जो राउंड्स हैं वो आसान नहीं होंगे। कंटेस्टेंट्स के बीच में घमासान युद्ध होगा या होगी दोस्ती, मैं क्यों बताऊं, आप खुद ही देख लीजिएगा। इंजॉय करिए एपिसोड नंबर 2। मैं भी जा रही हूँ पॉपकॉर्न लेने। मुझे लगता है कि पुष्कर जी इज वेटिंग। मैं समाधि में पहुंच गया हूँ। देख लो इसमें सब कुछ मुंह में घुल जाए और फ्लेवर अंदर ऐसे म्यूजिक बजा रहे हो। आपके हस्बैंड ने पैसे बजाने के चक्कर में राजमा चावल मसाले दी और लग रही है, ऑर्डर की कमी लग रही है। राइस की फीलिंग आ रही है, पुलाव की फीलिंग आ रही है, मुझे बिरयानी की फीलिंग नहीं आ रही। आपका जैसे 65 मेरा होता है, मैं चिकन 99, ये मतलब 99 में तो बंदा बस गया। क्रीमी क्रीमी फ्लेवर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्राक्षी जी, जो कि पेशे से तो आईटी प्रोफेशनल है, लेकिन ये खाने का शौक कहाँ से आ गया? कुकिंग इज लाइक मेडिटेशन टू मी। मेडिटेशन, मैं तो खाना बना के थक जाती हूँ। ये हमारे जितने भी होम कुक्स हैं ये खाना बना के थकते नहीं है और कह रहे हैं मेडिटेशन। या कमाल की बात है। काफी अच्छा आपका फोकस है। 9 रेटिंग आपने अपने आप को दी आउट ऑफ 10, एनी रीजन? Yeah, because जब भी मैं कुक करती हूँ, my friends, my family, they are the ones who rate me. So ये उनकी रेटिंग पे बेस है, ये मेरी रेटिंग नहीं है। तो आज पता चल जाएगा कि जो फैमिली अभी तक आपको रेटिंग दे रही थी वो डर के दे रही थी, सच में इनका खाना कमाल का है। तो प्राक्षी जी, ऑल द बेस्ट। हेलो जी। हेलो, ऐसे इधरों शुरू करने हैं। ए थाली एक्सपर्ट, ए वेट कर रहे ने। हाँ कि कर दो, हमें भी कर दिया। थाली थाली थाली, इसलिए हमने बोला पाजी आप खाओ। ये हमें भी बोले थे पहले मेरे को ही देनी है, तुम लोग नहीं खा सकते। चने, ये सारे फ्लावर्स वगैरह विच पाए हैं ना, ये मैंने बनाया मिर्ची के वड़े। मिर्ची वड़ा, मिर्ची वड़ा, जोधपुरी मिर्ची वड़ा, थोड़ा बॉम्बे से टच लिया, थोड़ा पंजाबी कड़ी पकोड़ा एंड अमृतसरी छोले एंड पनीर मखनी, दैट इज विद नो क्रीम, नो बटर, नो मिल्क। हाँ जी, टोमेटो एंड मेलन सीड्स एंड कैश्यू। हाँ जी, सो उदा सो एयर की है। दिस इज साबूदाना की खीर। या so I cook it for like 5 to 6 hours, reducing the milk. That's just nice. To form that rubbery. Acha. Haan ji. And this raita, this is beetroot what? Raita. Beetroot and cucumber is infused into it. I see. Yeah. I just want to see your puri. So this is spinach puri? Yeah, this is spinach and coriander puri. I see. Yeah. Puri is very nice and soft. Thank you. And chole, vinu ya, like almost, main Amritsar pahunch gayi hu. थैंक यू। वाओ, रिटर्न टिकट दो इनको जल्दी। हाँ जी बिल्कुल, नहीं तो वहीं रह जाऊंगी। या अच्छा, मुझे लगता है कि पुष्कर जी इज वेटिंग। वेटिंग नहीं, मैं समाधि में पहुंच गया हूं। वेटिंग का इज एन अंडरस्टेटमेंट। थैंक यू जी सब, आप हमने आपको दे दी सारी। तो इन्होंने अगर आपको बोल दिया कि चने बढ़िया है तो फिर तो मतलब बल्ले बल्ले है आपकी। आई ऑलवेज लुक फॉर दैट की फ्लेवर जो है चनों का वो अमृतसरी स्टाइल नहीं मिल रहा। हम लोग पीपे वाले छोले So this is the only thali, like I go to Indian Sweet Master or any other restaurant, I order thali because after a 12-hour long shift,
the students can only have a thali that has everything on it and into really good prices. So hopefully when I have my own restaurant, I will definitely have a thali that has all the flavors. So this is Indian Sweet Master inspired. और मेरे लिए स्वाद के लेजेंड्स बन सकते हो फॉर मी इनके लिए बन सकते हो मेरे लिए भी बन सकते हो और जसदीप जी के लिए नहीं ब्राइब देती है मनु मरने में ना इंडियन स्वीट मास्टर दे ऊपर इतना ज्यादा सो ऐसे के जसदीप जी आ रहे ने दान देने के लिए आपको ओह थैंक यू यू वेलकम है थैंक यू सो मच थैंक यू सबसे बेस्ट डिश कौन सी लगी सब कुछ अच्छा लगा अमृतसरी छोले जो थे वो जजेस को बहुत पसंद आए और पालक की पूरी बहुत अच्छी थी ओए, पालक की पूरी इतनी मेहनत कल से तैयारी कर रही हैं क्या सुबह से तैयारी कर रही हैं देखिए इतनी झटपट इन्होंने पूरी एक स्ट्रम्पचस ये थाली बना दी है वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस पुराना रेस्टोरेंट लग गया होगा इस शो में आपने बहुत से सुनहरे मोमेंट्स को एंजॉय किया होगा अब कुछ ऐसे ही गोल्डन मोमेंट्स अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करिए ब्रैम्पटन बेस्ड दुबई ज्वेलर्स के साथ एवरी पीस ऑफ ज्वेलरी इज अ स्टोरी एंड फॉर यू वी लव टू राइट इट इन द मोस्ट ब्यूटीफुल वे वी कैन टाइम के साथ सिर्फ डिजाइंस बदले हैं ज्वेलरी से जुड़ी फीलिंग्स नहीं दुबई ज्वेलर्स में हम इस बात को बखूबी समझते हैं वी प्रॉमिस टू ब्रिंग यू द बेस्ट ऑफ ज्वेलरी पीसेस एक्सक्लूसिवली फ्रॉम दुबई रिंग्स एयर रिंग्स गोल्ड नेकलेसेस बैंगल्स ब्रेसलेट्स डायमंड ज्वेलरी के साथ मॉडर्न और ट्रेडिशनल ज्वेलरी का एक फाइन ब्लेंड ओनली एट दुबई ज्वेलर्स आपको एक ऐसी कंटेस्टेंट देखने को मिलेंगी जो कि नेपाल से आई हैं जिनका नाम है शारदा वैद्य और इन्हें और किसी ने नहीं बल्कि इनकी खुद की डॉटर इन लॉ ने रेकमेंड किया हमें एज अ कंटेस्टेंट इन्हें वो भी बहुत मेरे को काम या खाना बनाने के लिए कुछ भी चीज़ है ना इसलिए मेरे को बहुत वो क्या बोलते हैं आज आपके चेहरे पे ये जो मुस्कुराहट है क्या इसका मतलब ये है कि आपके खाने में आप अपना कुछ कल्चर लेकर आएंगी टच फ्रॉम नेपाल यस या दिस इज एक्चुअली वी कॉल च्वेला इन नेपाल दिस इज वेरी फेमस फूड इन नेपाल ओके वो एक्चुअली मीट से बनता है पर मेरा सिस्टर वो वेजिटेरियन था इसलिए मैंने ये सुअर चोंग से बनाने के लिए ट्राई किया एंड सी लव्ड इट एंड या सो व्हाट आर द एलिमेंट्स इन दिस डिश दिस इज देयर इज गार्लिक रॉ गार्लिक ओके स्प्रिंग ऑनियन एंड देयर इज एंड तड़का इज मस्टर्ड ऑयल ओके एंड देयर इज वेरी वेरी फेमस इन नेपाल अच्छा ये वो बोलते हैं हम स्पेशली ये पैनकेक है ये उड़द दाल का होता है लाइक अ चिल्ला ये उड़द दाल का हम हां हम इसको चीला बोलते हैं इधर है ना और आपने हमारे ये स्पेशली ओकेजन बहुत शादी और बर्थडे में ये इसको हम गुड लक के यस सब्जी और ये या हैव टू पिंच दिस इनटू दिस यस सर यस गार्लिक का टेस्ट गार्लिक का टेस्ट ही ये मेरे को अच्छी लगी पर जो डिश है डिश दे विच मेनू ब्रांड लग रही है अभी सब सेपरेट सेपरेट आ रहा है तो वो नहीं आना चाहिए डिश में सब कुछ मुंह में घुल जाए और फ्लेवर अंदर ऐसे म्यूजिक बजा रहे हो ऐसा हो थैंक यू आई विल ट्राई बट थैंक यू यू बट या यू ट्राइड एंड इट्स वेरी गुड Let's see you again in season 2. Thank you. Yes, thank you so much for having us. It is an opportunity and we're just happy to come here and present the flavors from Nepal. लेकिन मुझे तो ये चंक्स ना सारे बखरे बखरे चीजें जो बखरे आ रहे थे मतलब ना तो वो लिपटा हुआ था ना ड्राई था ना सेमी ड्राई था बीच बीच आने वाला काम था इट कैन पास ऑफ एज अ सैलेड बट नॉट लाइक अ डिश एग्जैक्टली
She's an engineer by passion, or I would say by just profession. क्या कहना है आपका? Passion आपका cooking है या engineering है? It's both way. Now, it's both ways. Yes, yes, yes. Now I enjoyed cooking a lot. Mm-hmm. It gives me lots of happiness. So now it becomes my passion as well. All right. It's a therapy. वाह, लेकिन पूर्ति जी के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि इनके एक छोटा सा बेबी भी है 4 साल का, तो आप अपने इस पैशन को किस तरीके से मेंटेन करती हैं? हस्बैंड सपोर्ट्स मी अ लॉट. ओह वाह, सो स्वीट. माय किड बोथ आर वेरी फूडी. ओह, तो घर में ही? यस यस. अच्छा, घर में क्रिटिक्स भी हैं वो आपके, या सिर्फ खाना पसंद आता है उन्हें जब भी आप बनाती हैं? या या, एवरी टाइम लाइक दे बिकम जज एंड दे कैन टेल मी लाइक यू हैव टू ऐड दिस एंड दैट, एंड एवरी टाइम इट गिव्स मी मोर इंस्पिरेशन लाइक आई हैव टू कुक दिस एंड दैट नाउ नेक्स्ट टाइम. सो माय किड एंड बोथ माय हस्बैंड. वाओ, पंजाबी डिश राजमा मसाला एंड सोया चाप, बेस्ट फॉर वेजिटेरियंस. मसाला सोया चाप विद लच्छा परांठा आई हैव मेड एंड चाट्स. Yes. Very nice. Yes. Good choice of combination. वैसे I'm so biased because राजमा चावल is my favorite, my childhood favorite. तो जैसे ही आ रहे थे आई फॉरगॉट योर नेम एक्चुअली. उन्हीं को पूछ लिया. मैंने बोला ये राजमा चावल ही दिमाग में चल रहे हैं, तो दैट इज सो गुड यू ट्राइड. लेकिन आई थिंक वी हैव टू रीच आउट. यस, फॉर वेजिटेरियन इट टेस्ट लाइक यू नो इफ यू वांट टू ट्राई चिकन और समथिंग देन सोया चाप. जितने कंटेस्टेंट आ रहे हैं ज्यादातर मोस्टली यही लेके आ रहे हैं. हां, मतलब ऐसे भी कहते हैं सारे सोया. हां जी, हां जी, डेफिनेटली डेफिनेटली. तो बताइए, राजमा चावल और ये सोया आपका भी फेवरेट है क्या? ये फेवरेट है. माय हस्बैंड, इट्स लाइक अ बिग लॉन्ग स्टोरी. वी मेट इन दिल्ली इन गुरुद्वारा बंगला साहिब. अच्छा. एंड ऑपोजिट टू बंगला साहिब सीपी यू मस्ट हैव हियर, वहाँ पे जैन राजमा चावल वाले. सो ऑन फर्स्ट डेट लोग जाते हैं 5-star और कुछ अच्छे रेस्टोरेंट, एंड माय हस्बैंड बीइंग अ फूडी, दिल्ली स्ट्रीट फूड. थैंक यू. आपकी लव स्टोरी राजमा चावल से स्टार्ट हुई. यस, डेफिनेटली, दैट्स व्हाई. ये बात नहीं, हमें आपके हस्बैंड ने पैसे बचाने के चक्कर में राजमा चावल पसंद किया. उनको लगा कि राजमा चावल से सार देते हैं, ये ठीक है, पड़ता ही है. डेफिनेटली, तो बस उसी से स्टोरी स्टार्ट हुई एंड आई गॉट टू नो कि ये फूडी है और राजमा चावल फेवरेट है. तो मतलब संडे को दिल को पहुंचना है तो इसके पेट के थ्रू पहुंचना पड़ेगा. या दैट्स अ क्लेवर थिंग. एंड राजमा चावल से, लाइक संडे राजमा चावल काइंड ऑफ अ डे. एग्जैक्टली. आई लाइक द लच्छा पराठा. जैसे एक एक लच्छा है ना, और जो सिका है, इट्स वेरी नाइस. एकदम बराबर, कहीं से भी कच्चा नहीं है, दिखने में भी बहुत सुंदर है. और लच्छे बड़े अच्छे क्रिएट हुए हैं, बहुत अच्छे लच्छे. एक साइज के लच्छे क्रिएट हुए. दिस इज वेरी गुड. I like the chop also. Chop अच्छी है, सोया चाप अच्छी बनाई है. Sauce is very good. राजमा में मेरे को ये लग रहा है थोड़ा सा अगर धनिया पाउडर और डाला होता तो उसका फ्लेवर और ज्यादा अच्छा है. निखर के आता है. निखर के आता है. बट मेरे को लगता है स्वाद के लेजेंड बन सकती है. बन सकती है, अगली बार और ट्राई कर ले. अगर ट्राई करे और एक बार मौका देना चाहिए. Congratulations, we are going to give you this apron. Okay, and welcome to the second round. Thank you so much. Congratulations. Sure. बाकी का पैक करके रख देना, मैं ले जाऊंगा घर. Sure, Finally, you are going to the second round. Give me a high five. Yes. देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये जान के कि अपने पैशन को इन्होंने अभी भी जिंदा रखा है. आफ्टर ऑल बीइंग अ मदर, और वो भी इतना छोटा बच्चा, उसके साथ यू नो पैशन को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. आई कैन टोटली रिलेट. सो हैट्स ऑफ टू यू, अपने जीवन में ऐसी तरक्की करते रहिए. एंड सेकेंड राउंड में मिलते हैं आपसे. ऑलराइट. Every piece of jewelry is a story, and for you, we love to write it in the most beautiful way we can. Time ke saath sirf designs badle hain, jewelry se judi feelings nahi. दुबई ज्वेलर्स में हम इस बात को बखूबी समझते हैं. We promise to bring you the best of jewelry pieces exclusively from Dubai. Rings, earrings, gold necklaces, bangles, bracelets, diamond jewelry के साथ modern और traditional jewelry का एक fine blend only at Dubai Jewelers. हमारी अगली contestant जो कि born and brought up है कोलकाता से, संध्या अर्कॉट. या अर्कॉट, तमिलियन हूँ मैं. अच्छा, एक बात बताइए,
ये टाइनी सोल किचन का क्या मामला है? ये मेरा ही अकाउंट है एंड मैं उसकी सोल एंटरप्रेन्योर हूँ। आज आपके खाने में क्या कोलकाता की एक झलक देखने को मिलेगी या तमिलियन खाना? ये तमिलियन खाना है, ये मेरे साउथ का है। Hi, my name is Sandhya, Sandhya Arkar. I'm from India. I'm born and brought up in Kolkata and my dish is from south of India because I'm a Tamilian. So I made a Dindigul Thalapakatti biryani. So I served the Dindigul biryani with chicken 65, which is like fried chicken when we were small. This was a very big treat for us. And then dalicha, the gravy, you have to little pour in, and then there is raita also. Should I pour it? Yeah. Or you have to take it as a spoon? It doesn't matter. आप pour भी कर देते हैं, वैसे भी खा लेते हैं. जैसे आप खिलाओगे खा लेते हैं. ऐसी क्या बात? इसमें spice थोड़ा कम नहीं लग रहा? 65 के हिसाब से. 65 मुझे ज्यादा मतलब राइस की फीलिंग आ रही है, पुलाव की फीलिंग आ रही है, मुझे बिरयानी की फीलिंग नहीं आ रही। ऑल्दो आप जैसे बोल रहे हो स्पाइस का है, बहुत अच्छी है ये कलर कॉम्बिनेशन, कुकम्बर एवरीथिंग। हां कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। आई थिंक इट्स नॉट दैट सॉफ्ट और स्पाइसी नहीं है, मतलब एक 65 होता है ना, 65 हैज दैट टॉप का, जैसे 65 मेरा होता है, मैं चिकन 99, ये मतलब 99 में तो बंदा बस गया, मतलब थोड़ी सी और क्रिएटिविटी लेके आइए। ठीक है, उसको तो थोड़ा सा डाल दो, हर चीज का स्वाद बदल जाता है। आप देखो कि मैं हमेशा रोस्टेड जीरा रखती हूँ घर पे। अब चाट पपड़ी है कुछ रोस्टेड जीरा डालो, क्या फ्लेवर? जतन जी ने जब हमें मैसेज किया था तो उन्होंने कहा था, मैं समझता हूँ कि हर माँ अच्छा खाना बनाती है लेकिन मेरी माँ सबसे अच्छा खाना बनाती है, और उन्होंने रेकमेंड किया था कि आप इस शो में जरूर पार्टिसिपेट करें। हाउ आर यू फीलिंग? मेरे बेटे से वर्ड सुन के तो और भी खुशी हो रही है मैंने। की गाला, ऐसा रिश्ता देखने को मिलता है हमें, यू नो कई बार आंखें थोड़ी त्योरी भी हो जाती हैं क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता ना कुछ खास ही होता है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो आज आपने कुछ ऐसा स्पेशल बनाया जो आपके बेटे को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? बिल्कुल जी, मेरे बेटे ने बहुत पसंद है और मेरे बेटे ने ही बोला कि तुसी ये बनाओ। ओए होए की गाला। मतलब जिमें दा कढ़ाई पनीर होना चाहिए, उम्मीद है। थैंक यू जी। पर दसो, टेल अस अ स्टोरी बिहाइंड इट, और इज देयर सम स्टोरी दैट वी शुड नो कि दिस इज योर फेवरेट डिश, यू मेक दिस ऑल द टाइम? मैनु बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं जदों भी बनाया मेरे बच्चों नु, मेरी फैमिली नु बहुत पसंद आया है, सब नु बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ भी गैदरिंग होती है या फ्रेंड्स नाल बच्चों के, तो प्रेफर कर देने कि मैं बनावा कढ़ाई पनीर बनावा। प्याज का मसाला है इधर, प्याज टमाटर दो में माए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आई लाइक द टेस्ट, इट्स नाइस क्रीमी रिच एंड द पनीर इज देयर, ऑल द फ्लेवर्स आर कमिंग टुगेदर, इट्स पुट थ्रू वेल, द प्रेजेंटेशन इज गुड। मेरी थोड़ी राय डिफरेंट है, मैंने मुझे कुछ क्रीमी फ्लेवर ज्यादा शो, या इवन आई फेल दैट क्रीमी फ्लेवर ज्यादा शो होता है, जब कि ये कढ़ाई पनीर दिखाया है उधर मैंने शाही पनीर वाला, टिक्के मसाले वल जा रहा थोड़ी जो मैस जो मेरी वो सी मेन टमैटो और ओनियन की ग्रेवी होंगी बिच थोड़े कोरिएंडर सीड्स होंगे और जिंजर लट्टा ज्यादा होंगे, जिंजर जूलियन जूलियन जिवें दो जजेस की राय नाल मैं भी सहमत हाँ कि असी क्रीमीनेस वाल घट जाके उन्होंने कढ़ाई पनीर वांगू, और फिर मैं कढ़ाई पनीर के जेडे पीसिस ने वो भी मैं ट्राइंगल वाले सोच रही हाँ, है ना? सो मतलब प्रेजेंटेशन ओवरऑल हो जाती, पर असी टेस्ट वाल असी ज्यादा सोच रहे हैं कि टेस्ट थोड़ा उधर जाता, पर गुड ट्राई। या सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सुप्रीत कौर कोहली फ्रॉम ब्रैम्पटन, क्या आपकी डिश में आज ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, कुछ स्वाद, कोई आपके कल्चर से रिलेटेड? मेरी दिल्ली, मेरी दिल्ली, ये दिल्ली 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 की दिल वालों की ही है, बिल्कुल दिल से जाइए, प्रेजेंट करिए और जीत के आइए। ऑलराइट, श्योर।
आज आप बना के लाए हैं हमारे लिए पालक पनीर, दाल मखनी, पराठा एंड अनियन रिंग्स ऑन द साइड विथ हरी मिर्च। वाह क्या बात है। दाल मखनी और इसमें नमक थोड़ा लग रहा है ज्यादा है ना, और पालक का रंग बिगड़ गया, फ्लेवर उठ के नहीं आ रहे बीच ना, फ्लेवर नहीं उठ के आ रहे, सही कह रहे, कलर होता ना, हाँ जी दाल का कलर भी नहीं उठ रहा, हम सबको ही थोड़ा लग रहा है कि ये कॉम्पिटिशन लेवल का नहीं लग रहा हमको, मतलब फ्लेवर्स थोड़ी कमी रह गई है, मेहनत कीजिए ये मसालों के ऊपर स्लाइटली, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए कि कौन से मसाले डलते हैं, कैसे डलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मसाला एंड ऑल दैट। Sure. अभी के लिए just great effort, yeah. Great effort. Thank you. Thank you and thank you for all your time that sure. you put in making these dishes. Yeah, दाल का कलर जो है उसके लिए मैं यूज कर सकती थी देगी मिर्च का तड़का, देगी मिर्च का तड़का, ओके वो कर सकती थी बट वो रह गया बस। देखिए ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ये आपको हमारे मेंटर्स से ही पता चलती है। ऑफ कोर्स घर में आप भले ही बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, जब आप ऐसे लेवल पे आते हैं, जब एक ऐसे स्टेज पे आते हैं तो छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बट आई एम श्योर हम अगले सीजन आपसे फिर से मिलेंगे, ये बात पक्की है। और अ ब्यूटीफुल सनी डे, कनाडा के अच्छे दिन लगते शुरू हो गए हैं, गर्मी बढ़ने वाली है राइट। एपिसोड नंबर 2 खत्म हो चुका है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, द क्वेश्चन इज कि हमारी सबसे पहली कंटेस्टेंट याद है इस शो की, प्राक्षी, उन्होंने छोले बनाए थे, उन छोलों को खा के हमारी प्यारी जज जसजीत कौर जी ने क्या कहा था, उन्हें कहाँ की याद आ गई थी? और इस सवाल का जवाब देखिए, आपको दुबई ज्वेलर से एक सुनहरा इनाम भी मिल सकता है, हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। ये हमारा ईमेल आईडी है, रीच अस आउट हियर। कोफ्ते थोड़े ज्यादा गले हुए, दरदरापन इज वेरी गुड, दर्द दे रहा आपका ये दरदरापन बहुत, पर मैं थोड़ा अरे देख सोचने दो दोनों। पटियाला पे हैं फिर अब आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है, मदरली फीलिंग इज आल्सो गेटिंग सैटिस्फाइड कि मेरा बेटा दाल चावल पापड़ पनीर सब्जी सब खा रहा है, हमारे अनार के लिए खाएगी पहली अनार के लिए, तो सारे बंदे किसी को खुश करने के लिए फूड बना रहे, कोई बच्चों को खुश करने के लिए, कोई शना स्वाद के लेजेंड्स।